भैया हटो, इसको लकड़ी लाओ, कराने के बाद इधर सेखो लकड़ी लाओ, लकड़ी नहीं है, लकड़ी डालो आगे और जाओ सेखो हट। ये इधर इधर देखो, इधर लकड़ी जो है निशुल्क व्यवस्था की गई है, दोनों भी अंतिम संस्कार लकड़ी से कराना चाहता है तो आपसे संपर्क करें। कोविड महामारी में जब मरने वालों के घर वाले ही अपनों के शवों को छूने से एतराज कर रहे हैं, ऐसे में कानपुर को एक मानवता का मसीहा वरदान के रूप में मिला है जिसका नाम धनीराम पैंथर है। वैसे तो कानपुर में वे हमेशा से ही लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने में सहयोग करते रहे हैं। धनीराम अपनी संस्था के माध्यम से लगातार पिछले कई वर्षों से यह काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय जब देश में कोरोना का संकट है, उनकी संस्था कोविड शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बखूबी उठा रही है। धनीराम की टीम कानपुर में कोविड से होने वाली मौतों के शवों का अंतिम संस्कार करा रही है। पिछले कोविड काल में भी ये जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी और इस बार भी वे ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बीच में लाउडस्पीकर लिए हरे रंग का एप्रिन पहनकर मास्क कैप लगाए जो व्यक्ति घाट पर शवों को व्यवस्थित करा रहा है, कानपुर में मानवता जिंदा करे हुए धनीराम पैंथर। हाँ, इस इंसान को जितना सराहा जाए, इन्हें ना घर की परवाह, ना समाज की परवाह, ना ही अपनी जान की परवाह, इन्हें तो सिर्फ मानवता की परवाह है। मेरा नाम धनीराम पैंथर है, मैं सचिव समाज कल्याण सेवा से 2008 से आज तक लगभग 14,000 लावारिस लाशें का अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। करीब 400 लोगों का, ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कराया गया जिनके परिवार थे लेकिन उनके पास अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं थी। और जो कोरोना काल रहा उसमें जितनी भी कोरोना काल की बाड़ियाँ थी उसका भी अंतिम संस्कार मेरे द्वारा कराया गया, मेरी संस्था द्वारा कराया गया। और आज भी जो कोरोना की बाड़ियाँ हैं या लावारिस बाड़ियाँ हैं उसका भी अंतिम संस्कार हमारे द्वारा कराया जा रहा है। और उसमें संपूर्ण प्रशासन का, समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।